हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद आपको क्या करना है। तो 10 तारीख को आप लोगों की फ़र्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपको चाहिएगा वो है 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रीसेंट होना चाहिए आपका, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो MBBS डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे SC ST या OBC से। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखवाना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो लाइनें होंगी आपको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में ऐसे के ऐसे ही कॉपी पेस्ट करवा देनी है। एक और बात, आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर वो 2019 से पहले का है तो उसे जाकर रिन्यू करवा लीजिएगा। इसी के साथ ही आपको कुछ और प्रिंट आउट भी चाहिए होंगे, जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर, 1800 रुपये आपको पे करने होंगे, उसकी रिसीप्ट और आपका ऑफ़र लेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको जो हैं आपके डैशबोर्ड पर मिल जाएंगी, तो उनके प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। अगर आप 1800 रुपये पे नहीं करते हो तो ना ही आपका एडमिशन हो पाएगा और ना ही आपका जो है अगली लिस्ट में नाम आ पाएगा। तो आपको 1800 रुपये पे करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 4 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ लेकर जाना होगा, जो भी आपके डाइट मिली होगी आपको या आपका कॉलेज होगा। अब बात कर लेते हैं सीट फ्रीजिंग के बारे में। जो कॉलेज या डाइट आपको मिला है, अगर आपको वो कॉलेज या डाइट अच्छा लगता है तो आप उस सीट को फ्रीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको वो कॉलेज या डाइट अच्छा नहीं लगता है, आपको ये लगता है कि अगली लिस्ट में मेरा जो है इससे अच्छे कॉलेज में नाम आ जाएगा, तो आप उस सीट को फ्रीज़ मत कीजिएगा। तो आप उस कॉलेज में जाकर अपना वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, पर अपनी सीट को फ्रीज़ मत कीजिएगा। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपका नाम नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आने वाला है। तो आप ये देख लेना कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको पसंद है या नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है, आप अगली लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो, तो उस सीट को फ्रीज़ मत कीजिएगा। अगर आपको वो कॉलेज वो डाइट पसंद आती है तो आप उस सीट को फ्रीज़ कर दीजिएगा, ताकि किसी और कॉलेज में आपका नाम ना आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि DLED से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें।